जी हाँ, सुना। इस चक्र में नीलम जी आपने बड़ा डांटा फटकारा है हमको। शंभु भैया, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर। एक बात बड़ी गंभीर कही आपने, कहा शंभु भैया अभी तक तो मैं आपको भाई समझती थी, अब हमको ऐसा लग रहा है कि आप तुलसीदास जी के पापा हो गए हो। तो बेटा मान लीजिए तुलसीदास जी के हम पापा हो गए, तो तुम हमारी छोटी बहन हो, तो तुम कौन हुई रिश्ते में फिर? अरे हम तुलसीदास जी के पापा नहीं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। क्या बात है। लेकिन जो बात मैंने रखी नीलम जी, वो बात अटल थी, अटल है और अटल रहेगी। मैंने किस बिंदु पर आपसे कहा? मैंने कहा राम जी उस समय घर में नहीं थे, अब घर में पहुंचे हैं। जहां पर मैंने तर्क दिया वहां सुना करो। फिर आपने कहा शंभु भैया आप जानते नहीं है, क्योंकि आपने कहां पढ़ लिया कि जानू ऋषि की जांग में गंगा समाई है। बिटिया तुमने तो पढ़ा भी नहीं होगा। नहीं, ये लड़की छोटी है, लेकिन अगर तुम अपने गुरुजी से ना पूछो तो तुमको तो ये भी नहीं मालूम किस पुस्तक में लिखा है। सही बता रहा हूँ तुमको, इस बिटिया को कोई सिखा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। बिटिया को जो कोई सिखा रहा मुझे मालूम है। सत्यता ये है नीलम जी, आपने तो पढ़ा भी नहीं होगा कि पुस्तक कहां पर है, कैसे लिखा है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो पुस्तक आपने पढ़ी है उसमें वैसा लिखा होगा, और जिस जो मैंने पढ़ी है उसमें वैसा लिखा है। ले हिम्मत करो तो हाथी बांधो, बताओ तो प्रमाण दे ही तुम खा। अब बताओ। अरे इस तरह की बात हमसे न किया करो। फिर तुमने कहा शंभु भैया आप से छोटी जरूर हूं, लेकिन आपके बराबर पर खड़ी हूं। नीलम जी मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं, बराबर पर खड़ी हो तो क्या बराबर हो? मैं तो गंभीरता से पूछ रहा हूं आपसे। अब बताओ। अरे ऐसे बहुत लोग खड़े हो जाते हैं बराबर पर, कारण ये कमेटियों को पप्पू भैया लोग नहीं मिले तो लगा दिया, बोले ठीक है। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, तो क्या बराबरी के होते हैं? इस तरह का होता है क्या? और का आज माइक से भी बोल रहे। अरे ये बेमतलब की बात की आपने। कारण ये है बराबरी उस व्यक्ति से होती है जिसमें छोटे बड़े का भान ही ना हो। ये अब आपने हमको बड़ा भाई कह दिया तो बराबरी वही नहीं रही, खत्म हो गई बराबरी। आप छोटी हो गई, मैं बड़ा हो गया। तो विश्वास रखिए कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हमको होगा। जैसे आपके गुरुजी बैठे हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, तो हमसे ज्यादा जानकार हैं। बिल्कुल। अब चूंकि उनके बराबरी पे हम थोड़ी हैं, हाँ उनसे हमारे कई कार्यक्रम होते हैं तो हम कहते हैं हम भी आपके बराबर पर खड़े हैं, तो आपके जैसे हो गए। नहीं बिटिया रानी कुछ तो अकील सीखो, वाकई छुटके हो तो। आइए चलना हो, ठीक है, बढ़िया प्रयोग आपने किया है, आपने कहा है। फिर एक बात आपने कही कि शंभु भैया मेरा ही मुझको लौट डाल दिया आपने। मैंने प्रयोग दिया था पप्पू भैया पहले ही चक्र में, अभी गाया था, मिल गए जब है दिल से दिल तो दो दिल एक हो गए। अच्छा तुम का लाई हो, वही दो दिल एक हो गए। अरे कम से कम जो चीज आपने टोकी थी उस पर तो आपको अमल करना चाहिए कि मैं दूसरी बात लाऊं, फिर क्या हो गया तुमको? बड़ी अम्मा बनी घूम रही है। अरे कम से कम सोचिए कि मैं क्या कह रही हूं। अगर आपने कहा था कि शंभु भैया मैं ये नहीं लाऊंगी तो आपको कुछ अलग लाना चाहिए। मैंने आपके गीत का उत्तर दिया है, लेकिन कथानक मैंने अलग कर दिया है। एक दो तीन हो गए, नौ दो ग्यारह हो गए, दोनों कथानक अलग है। कथानक बदल सकता है। फिर आन न जाने पाए, सान न जाने पाए, हमारे तो हमको वापस किया है। बैग में पैसा ऐसा है कि इसे घूम ही रही हो? ये बताइए आज तुम्हारी तरफ ढोलक कौन बजा रहा है? चलिए मैं कहूंगा नहीं, खैर चलो। एक लड़का आपके साथ बैठा है गोविंद, वो कह रहा है
500 चाहे हमको कम दे दीजिएगा, लेकिन साउंड अच्छा लगवाइएगा। अच्छा बेटा, जैसे 500 तुमको कम दे दिया जाए तो तुम्हारी पेमेंट से बचेगा क्या? तुम्हारी पेमेंट उतनी है, कारण ये है, अगर तुम्हारे 500 कट जाए, नीलम के कट जाए कोई बात नहीं, नीलम तो मान लो 10,000 का आसामी है, लेकिन तुम्हारी स्थिति है कि तुमको तो 500 मिलने हैं, तुमको तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसी बात ना किया करो, नहीं दिक्कत आएगी आगे। वही 500 मिलने गिने चुने वो भी कम हो जाएंगे। आइए चल रहा हूं, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आपने और प्रश्न भी बहुत अच्छा किया है। प्रयास कर रहा हूं कि आपका जवाब बन जाए, क्योंकि आपने इतना बोला है इसलिए बोलने का प्रयास किया। आपने हमको दिखाया है कि शंभू भैया मैं आपके बराबर पर हूँ। बिटिया रानी, जिस दिन तुम बराबर पर आ जाओगी तो हमको खुशी होगी। मैं तो चाहता हूँ तुम बराबर पर आओ, लेकिन तुम नहीं आ पा रही तो हम क्या करें। आइए चल आओ, सुनिएगा एक बहुत बढ़िया टुकड़ा गाया है आपने और गीत कह रहा है। गीत आपका कह रहा है कि चुनरी जयपुर से मंगवाई, भगवान भी जल्दी जल्दी सभी को तारा नहीं करते। बिटिया, जिनके मकान खुद होते हैं शीशे के, वो दूसरे के घरों में पत्थर मारा नहीं करते। चुनरी जयपुर ते मंगवाई, रेंडी सोने की गड़वाई, रूप धर कितना मातरा कितना मातरा, होठों पे लाली तो धम्मण बिच्छे पहनी चुनरी, रूप धर देखो ये आली, रूप धर देखो ये कर रहा है शंभू, चल शायद बात बन जाए। अगर शोक में माता जानकी है तो एक जगह घटना मुझे भी मिली। कहां पर? शोक में हुई सभा सारी, शोक शोक में हुई सभा सारी, देखते हैं सब नर नारी। कहा भगवान राम का दरबार लगा है, माता जानकी आ गई, और यहां पर भी भगवान राम और दरबारियों ने माता रानी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह जब उठाया तो देखिए माता जानकी ने कहा है, माता वसुंधरा अगर मैं स्वच्छ हूं तो आप अपनी आगोश में मुझे ले लो। क्या बात है, देखिए हुआ क्या। तो शोक में हुई सभा सारी, देखते हैं सब नर नारी, तो सिया की अंतिम इच्छा पूरी कर दी, तो सिया की अंतिम इच्छा पूरी कर ती है मां प्यारी, धरा की धरोहर धरा में समाई,
तो सिया की अंतिम इच्छा पूरी करती है माता प्यारी। दुखी है मन धनुहाधारी, 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 दुखी है मन धनुहाधारी। तो सिया की अंतिम इच्छा पूरी करती है माता प्यारी। दुखी है मन धनुहाधारी, दुखी है मन धनुहाधारी, दुखी है मन धनुहाधारी, दुखी है मन धनुहाधारी, दुखी है मन धनुहाधारी। बोलिए सच्चे दरबार की। आपने माता जानकी को दुखी दिखाया है, एक जगह मुझे भी चित्रण मिला, भगवान राम भी दुखी है माता जानकी के जाने से। आइए एक गीत और आपने गाया है, एक लड़का आपके साथ बैठा है, खैर रक्षाबंधन की बात आप नहीं करती हो लेकिन ये रक्षाबंधन की बात जरूर करता है। बेटा ये बताओ तुम कितने बार गए हो रक्षाबंधन पर? एक और रुपया न दिन हुई आज तक, फालतू लगे पड़े हो, रक्षाबंधन याद आवत है तुमका हर बार। आइए, बल्कि उसी से पैसा मांग लाते हो रक्षाबंधन में, लाओ खर्चा इस टाइप के तो हो। आइए चल लाओ सुनिएगा एक गीत, बड़ा सुंदर सा आपने गाया है नीलम जी, और हमारे पप्पू भैया ने फरमाइश की है इसलिए गाया है आपने। चल लाओ शायद आपका उत्तर आ जाए, बहुत बढ़िया टुकड़ा दिया है, सुनिएगा। चूंकि ये स्वर्गीय दादा मुहिद्दीन तिवारी जी का गीत आपने गाया है, और चूंकि पप्पू भैया बहुत अद्वितीय फनकार थे, उनका कोई जोड़ नहीं था, उस गीत का उत्तर मैं क्या लिखूंगा, लेकिन उस गीत की कुछ पंक्तियों पर अपनी ओर से उन पंक्तियों से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। तो क्यों चले आए सितम ढाने को, क्यों चले आए हो बेकस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवार। बिटिया रानी तुमने पत्थर की बात की है, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, फिर तुमको नया कथानक सुना रहा हूं, तुम्हारा नहीं पढ़ा होगा। हाँ आपके गुरु जी का जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जाने के बाद तुम हारमोनियम रख देती हो और चौका बर्तन चालू हो जाते, कोई मतलब रहता नहीं तुमको। आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए एक बार जिसमें समुद्र पर सेतु का निर्माण देखा, मंदोदरी हतोत्साहित हो गई, कहने लगी स्वामी जानकी को वापस कर दो, तुम्हें मालूम नहीं पानी पर कभी पत्थर तैरे हैं जो आज तैर रहे हैं, समुद्र पर कभी पुल बना है जो आज बन रहा है, वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बलशाली हैं। इतनी बात जब सुनी दशानंद ने सोचा हमारी पत्नी हतोत्साहित हो गई, और विश्वास रखिए जिसकी पत्नी हतोत्साहित हो जाए वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह वही उलझन, शाम को वही उलझन,
इसलिए भी रावण ने सोचा ये मामला गड़बड़ा जाएगा और हम तो बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं। रावण ने मंदोदरी का हाथ पकड़ा चाचा जी और समुद्र के तट पर लाया, कहने लगा सुनो मंदोदरी, वो लोग तो राम राम पत्थरों पर लिख रहे हैं तब पत्थर पानी में तैर रहे हैं, अब मैं वो हूँ, पत्थर की लकीर है बेटी आई है, मैं वो हूँ जो बिना लिखा पढ़ी के पानी में पत्थर तैरा दूंगा। अब जरा देखिएगा पत्थर की ही बात लाऊंगा तब मानिए। ये है मंदोदरी ने जब कहा कि आप, दशानन ने कहा हाँ मैं, अब सुनिए क्या हुआ। तो बताती जिस दम प्रिया प्रियतम, उत्तर सुनिएगा आनंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा, कि बताती जिस दम प्रिया प्रियतम दस कंधर को, कि जानकी को वापस कर दो। सुनो मंदोदरी, बताती जिस दम प्रिया प्रियतम दस कंधर को, तो कसम दे डाली तभी रावण ने उस पत्थर को, सुनिएगा, और चुपके से मंदोदरी से निगाह बचाकर अपने पास लाया और क्या, और उस पत्थर से कहने लगा रे पत्थर, अगर राम के नाम में थोड़ी भी शक्ति है तो तुझे राम की सौगंध है डूबना नहीं। अब जरा सुनिएगा, तो कसम दे डाली तभी रावण ने उस पत्थर को, वो पत्थर दिल पसीजा मिला उसका नतीजा, हृदय में बोलिया है राम के नाम का बीजा, राम के नाम का बीजा, राम के नाम का बीजा। पंक्तियां देखिएगा, तो सारे अद्भुत मिला, कि सारे अद्भुत मिला जग को इस कहानी में, अरे सारे अद्भुत मिला जग को इस कहानी में, अरे कसम से राम की वो पत्थर तैरा पानी में, भगवान की कसम से पानी में तैर पड़ा। तो सार जग को मिला देखो इस कहानी में, और कसम से राम की वो पत्थर तैरा पानी, परम श्रद्धे परम पूज चाचा श्री विष्णु प्रताप त्रिपाठी जी आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं, श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। चूंकि चाहे जितना हो धन पर घट जाएगा, ईश्वर के नमन से गम भी छट जाएगा, तो प्रणाम हो बुजुर्गों को और मां भारती को, आपके आशीर्वाद से जीवन कट जाएगा। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, इन पुरखों की निशानी बचाए रखिए, पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, ये पुरखों की निशानी बचाए रखिए,
मर जाए किसी की आंखों का पानी मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। आइए एक टुकड़ा और जोड़े दे रहा शंभु बोलचाल। पत्थर मैं सोना भी ला सकता था, माटी भी ला सकता था, लेकिन हमने कहा पत्थर आप करना छोड़ा जाए। आप कह रही थी शंभु भैया जो मैं गाती हूं वही आप गाते हैं, क्यों? उसका कारण है जब पत्थर से कथानक नहीं मिलेंगे तो मैं सोने में भागूंगा, तब मैं माटी में भागूंगा। अगर पत्थर से मिल रहे हैं तो लाने में दिक्कत क्या है बेटे? कलाकार वही है जो आपके कथानक से अलग कथानक लाए और बात वही लेके आए। क्या बात? सुनिएगा बस। आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, लगेगा आप लोगों को। दूसरा टुकड़ा। तुम मिले पत्थर पर सिया, भैया मिले पत्थर पर सिया राम की निशानी है। कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूं, जाइए चित्रकूट फटिक शिला। हाय हाय हाय, भगवान राम और माता जानकी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। हाय, तो मिले पत्थर पर सिया राम की निशानी है। जानते ऋषिवर मुनि देखो गुणी ज्ञानी है। बनी पत्थर की शिला लेख ऐसा मिला, अहिल्या हो गई पत्थर हुई पत्थर उर्मिला, हुई पत्थर उर्मिला, हुई पत्थर उर्मिला। तो परसते पाए कई पत्थर मैंने पानी में। कभी कभी लोग ऐसा बोल जाते हैं लगता है जैसे पत्थर मार रहे हो। और क्या? तो परसते पाए मैंने पत्थर देखो पानी में, और कसम से राम की वो पत्थर तेरे पानी में। कसम से राम की वो पत्थर तेरे पानी। आइए भाई जी, मैं सोच रहा हूं चूंकि चार बज रहा है, आप सुन लीजिए। हमारे मध्य में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है, सम्मानी मान्य दादा श्री लालचंद दीक्षित जी। विश्वास रखिए यही अवसर आवत कठिनाई, अगर आप जितना पैसा खर्च किए थे उतना खर्च करते तब उनको बुला पाते, लेकिन आज ये संयोग है कि वो भी मंच पर उपस्थित है। तो मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि जवाबी का दौर उत्तर प्रति उत्तर यहीं पर विराम हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि उनकी ओर से दो रचनाएं, फिर एक गीत मैं गा दूंगा और एक नीलम गा देगी, समय हो जाएगा। आइए भाई जी, साढ़े चार बज रहा है, पांच बजे तक दादा गाएंगे, एक रचना मैं पढ़ दूंगा बाद के, आपकी इच्छा होगी तो। अरे अभी दादा से सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम श्रद्धे परम पूज दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत में। आइए दादाजी स्वागत है। अशोक भैया रेडी, और ये भैया नरेश तिवारी जी आपकी ओर से बहुमूल्य ये 51 रुपए का स्नेह आया है, और हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए 21-21 रुपए का स्नेह। कोमल भैया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, कोमल भैया साधुवाद है, भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। आइए आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानित दादा श्री लालचंद दीक्षित जी को। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
अच्छा देखे।